बिहार पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र के लौरिया स्थित झोलाछाप चिकित्सक के यहां इलाजरत महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद चिकित्सक समेत सभी कर्मी फरार हो गए। वही सूचना मिलने पर लौरिया थाना अध्यक्ष भी घटनास्थल पर पहुंच मृत महिला का शव अपने कब्जे में ले लिए। इस संबंध में मृतक का पति नथू राम ने बताया कि वह अपनी पत्नी का ऑपरेशन लौरिया के झोलाछाप चिकित्सक डॉक्टर एस रहमान के यहाँ आज से एक माह पूर्व पथरी और बवासीर का करवाया था। ऑपरेशन के बाद से ही घर जाने के बाद मरीज की हालत बिगड़ती गई। तब चिकित्सक से संपर्क किए तो वह अपने स्तर से नरकटियागंज और बेतिया में इलाज करवाए, पर सुधार नहीं हुआ और 1 जून को मरीज को बेतिया ले गए, जहां चिकित्सक ने जवाब दे दिया। तब पुनः लौरिया में लाए, जहां मौत हो गई। मौत के बाद से अस्पताल के सभी कर्मचारी व डॉक्टर रहमान भी अस्पताल छोड़ फरार हो गए। गौरतलब है कि डॉक्टर रहमान के यहां 1 सप्ताह के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई और लौरिया प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल के प्रभारी मौन है। तू चला शाहज नवाज हुसैन की है बानू छापन ओजा ले गए 4 दिन ओजा रहनी। यही तरह करते करते हमार मरीज खराब हो गई। अल्ट्रासाउंड करे के पैसा हम दे, अल्ट्रासाउंड भैल हम कहीं अल्ट्रासाउंड देखाओ हमरा के, अल्ट्रासाउंड देखाओ हमरा का रिपोर्ट बा। तो कह कंपाउंड और डॉक्टर के सामने कि तू देख के का करब, तारा ठीक भैया से मतलब बा बुनी। तो ओजा से फिर ले जाएगा बानू छापर हमारा भर्ती करवल। जब मरीज हमार देखने की ना बची तो वही से लगे भगनी सुनील कुमार के लगे वहाँ। जब ये मशीन द्वारा खोल ले पेट मैंने उठी से स्कोप द्वारा तो टी वी पर देख लें तो अंतरी जौन रहे नंतरी वो बैंड होके सीएल बैंड हो गई बा आ सड़ गई बा। सड़ला के वजह से इन्फेक्शन पूरा हो गई बा कैंसर। तो जवाब हमारा दे दिले कि ले जा मरीज तहार ना बची। तब लिए 3 घंटा यहाँ जिंद जीवित रहस हॉस्पिटल में कंपाउंडर देख के भाग गई लो। आ कोनो फोन नहीं खे उठा उतना आई लो। 3 घंटा के बाद दम तोड़ ले भी औरत हमारा।